हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप। आज मैं बताने वाला हूं 50 ऐसे टॉपिक जिस पे आप यूट्यूब चैनल बना सकते हो। और आज मैं जिस जिस टॉपिक के बारे में बात करूंगा सब में मिलियंस के ऊपर व्यू है, तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा व्यू हो सकता है। अगर आप नया चैनल खोलना चाहते हो या फिर आप यूट्यूब पे आपका ऑलरेडी चैनल है फिर आप दूसरा चैनल खोलना चाहते हो, तो ये टॉपिक जो मैं दूंगा इस पे आप खोल सकते हो, मिलियन के ऊपर आपका व्यू मिलेगा। पिछले दिनों आप देखे होंगे जेसीबी का वीडियो, मतलब जेसीबी का खुदाई का वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। तो उसमें क्या होता है, जो जब खुदाई होता है ना बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाता है। आप देखोगे कहीं भी आप देखोगे, उसका एक कारण है जो जो इंसानों को ना उस सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो इसी तरह का आप वीडियो बना सकते हो। और कुछ दिन पहले और एक भी वीडियो वायरल हुआ था, तो आप देखोगे जो बड़े मशीनों से वो जो हेलमेट को तोड़ता है, हैम्बर को तोड़ता है, तो इसी तरह का जो वीडियो, इसको मतलब इंसानों को देख के सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो क्या होगा, व्हाट हैपेन, तो इसी चक्कर में मतलब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, उसको तोड़ेगा तो कैसा होगा, तो इसी चक्कर में पूरा वीडियो लोग वॉच करते हैं और मिलियंस ऑफ मिलियंस व्यू चला जाता है। ये टॉपिक आप चूज कर सकते हो। और अगला टॉपिक है, और आप रीजनेबल कंटेंट बना सकते हो। रीजनेबल मीन, अगर आप बंगाली हो तो बंगाली में बना सकते हो, आप गुजराती हो तो गुजरातियों में, और पंजाबी हो पंजाबी में। ऐसी तरह का कंटेंट आप बनाओगे तो बहुत ज़्यादा भी चल रहा है, मतलब बहुत सारे जो रूरल एरिया में रहते हैं वो भी सारे इंटरनेट में आ रहे हैं। तो इसी तरह का कोई इंटरटेन चैनल आप बना सकते हो तो बहुत ज़्यादा व्यू आएगा। प्लस आप ये कर सकते हो, जो हिंदी का जो चैनल है, हिंदी का बहुत सारे फेमस चैनल है, उनको आपके रीजनेबल लैंग्वेज में चेंज करके आप बना सकते हो। इसमें भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और तीसरा, मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। इस टॉपिक पे अगर वीडियो बनाते हो तो बहुत ज़्यादा मतलब वायरल होता है। आप देखोगे कोई भी मोटिवेशन जो स्पीकर है या फिर मोटिवेशन जो बात करते हैं किसी तरह का वीडियो है, तो आप मिलियन के ऊपर व्यू आता है। ये टॉपिक में भी मिलियंस ऑफ व्यू है, तो आप चेक कर सकते हो और आप बना के एक बार ट्राई कीजिए। इसमें मतलब इसमें वायरल होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसमें मतलब शेयर बहुत ज़्यादा होता है। कोई अगर किसको दिल को टच कर जाए, कुछ इमोशनल स्टोरी डालो उसमें, डाल के कुछ मोटिवेट करो, तो उसको मतलब बहुत ज़्यादा शेयर मिलता है, बहुत शेयर करता है लोग, तो ज़्यादा चांस होता है आपका वायरल होने के लिए। ब्लॉग चैनल, तो ब्लॉग चैनल में भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और ब्लॉग चैनल अगर आप बना सकते हो, एक भी वीडियो आपका वायरल हो जाए तो मिलियंस के ऊपर आपका व्यू मिलेगा। तो ब्लॉग में क्या करना है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना, जाना है जहाँ जाते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, बस उनको शूट करके यूट्यूब पर डाल देना एडिट करके। तो बहुत ही सिंपल है, हर कोई नहीं कर सकता। क्योंकि हर कोई नहीं कर सकता, क्यों, ये वीडियो जो होता है एक आपको थोड़ा बेशरम जैसा बनना पड़ता है, बट काम जब काम करते हो तो ये सब सोचना नहीं चाहिए। तो बहुत लोग सोचते हैं ऐसा, और अगर ये कर सकते हो इसमें भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। कुछ अच्छे अच्छे चीज़ दिखाओ, या फिर आप गांव साइड में रहते हो उनका कुछ चीज़ दिखाओ, तो बहुत लोग देखते हैं। जो गांव का साइड में गांव का जो लाइफस्टाइल है तो शहर के लोग देखते हैं, और आपके वहाँ का भी लोग देखेंगे, और बाकी जो जो शहर का है वो तो हर कोई देखता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आप देखोगे बहुत सारे चैनल है जहाँ पे मिलियंस ऑफ मिलियंस व्यू है। तो फिलहाल को मैं कुछ दिन पहले में ही देख रहा था एक चैनल नहीं, फेसबुक पेज, जिसमें यार एक मैडम उसका मतलब घर का वीडियो बनाता है, नॉर्मल गांव टाइप के, गांव में रहते हैं तो वहाँ का ही सब कुछ, अब जो शूट करता है शूट करके यूट्यूब पे डालता है, उसमें भी मिलियंस ऑफ व्यू है, मतलब उसका भी बहुत फैन फॉलोअर्स है। अगला टॉपिक एडुकेशन के बारे में। एडुकेशन का अगर चैनल बनाते हो इसमें भी बहुत पोटेंशियल है। और जो कोई जो भी हमने पढ़ा है सेम उसको ही वीडियो फॉर्मेट में बनाना है तो बना के अपलोड कर दीजिए। तो इसमें बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि जब एडुकेशन वीडियो जब आप स्टार्टिंग में कोई देखना शुरू कर देता है तो उसमें वॉच टाइम बहुत ज़्यादा है, पूरा टॉपिक को आप देखेगा, क्योंकि मतलब एडुकेशन वीडियो है तो छोड़ के नहीं जाएगा। और इसका वीडियो भी बहुत बहुत बड़ा बनता है, 30 मिनट 40 मिनट, अब जैसे आप बना सकते हो, जैसे आप छोटा छोटा एपिसोड भी बना सकते हो। तो इसी तरह का आप बनाओगे तो इसमें भी बहुत रिएक्शन चैनल आप बना सकते हो। आप देखोगे तो रिएक्शन चैनल में भी बहुत ज़्यादा व्यू है, और रिएक्शन चैनल हिंदी में तो आप बहुत ज़्यादा मिलेगा। अगर आप
आपके जो लोकल लैंग्वेज है उसमें आप बनाओगे तो उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हो सकता है, पोटेंशियल होगा। मतलब उसी तरह का पहली बार अगर कोई ऐसी इसी तरह का वीडियो देखेगा तो वो देखते ही जाएगा, देखते ही जाएगा। और ऐसे ही तो नॉर्मली नॉर्मली अगर कोई टेलर होता है, टेलर बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, और एक बार देखना शुरू कर दे तो आपका वॉच टाइम अपने आप ही बढ़ जाएगा। और उसका आपका रिएक्शन क्या है, उसके थोड़ा रिव्यू रिव्यू दीजिए, उसका रिएक्शन दीजिए। तो सिंपल है, ज़्यादा उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इजी, हर कोई कर सकता है। और इसमें भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और बहुत व्यू आता है इसमें। और अगला टॉपिक है बिजनेस के रिलेटिव। तो बिजनेस का रिलेटिव बहुत मतलब बहुत ज़्यादा चैनल उतना ज़्यादा नहीं है, और है भी तो सारे जो मतलब गारमेंट्स का है उसका ही सब ज़्यादा है। अगर आपका कोई कलेक्शन का शॉप हो या फिर एंटिक शॉप हो, तो इसी तरह का कोई शॉप हो तो उसका आप बना सकते हो, बहुत ज़्यादा चलेगा वो। मतलब यूनिक चीज़ अगर आप किसी को दिखाओगे तो थोड़ा वो यूनिक चीज़ जब आप किसी को दिखाते हो तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, वहाँ से आपका धीरे धीरे आपका बिजनेस भी आने लगेगा। तो ये बहुत अच्छा चैनल है, टॉपिक है, इस पर आप कंटिन्यू काम करते रहिए तो आपका जो भी बिजनेस है वो भी ग्रो करेगा और आप भी पॉपुलर होते रहोगे। तो सही है चैनल, आप ट्राई कर। और नेक्स्ट टॉपिक है सिलाई के बारे में। अगर सिलाई का कोई अच्छा सा काम जानता है, जो हैंड जो हाथ से सिलाई करते हैं, आप देखोगे यूट्यूब में बहुत कुछ चैनल है, तो इंडिया का बहुत कम चैनल है तो बाहर का बहुत ज़्यादा है, जो सिलाई करते हैं ना, जो जीन्स वीन्स का जो मतलब हैक टाइप का, जो नॉर्मली हैक करता है, नॉर्मली कोई चीज़ फट गया है तो उसका हैक निकालिए, तो उसका मतलब अच्छी तरह से जो डिज़ाइन बना दे, वहाँ पे थोड़ा अच्छा डिज़ाइन बना दिया, इसी तरह का वीडियो बनाओगे तो बहुत चलने वाला है यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे और फेसबुक पे भी छाड़ सकते हो, इंस्टाग्राम में भी छोड़ सकते हो, या फिर टिकटॉक, हर जगह ये छोड़ सकते हैं। अगले टॉपिक है लाभगुरु की जो वीडियो है आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा मतलब व्यूज़ आता है, मिलियंस में व्यू आता है। तो अच्छी तरह से उनको समझाइए, कोई किसी का प्रॉब्लम आप देखोगे नॉर्मल लाइफ में क्या प्रॉब्लम होता है, तो उनका सोल्यूशन, जैसे किसी का ब्रेकअप हो जाता है तो उससे कैसे निकले, कोई किसी को बहुत प्यार करता है फिर भी बोल नहीं पा रहा है, तो उनका सॉल्यूशन कुछ बनाइए। तो इसी तरह का वीडियो आप बनाओगे तो बहुत इसमें व्यूज़ है, और आप लाभगुरु जैसे आप बन सकते हो, और इसका आपका बहुत फैन फॉलोअर्स भी, मतलब बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम ये रहता है जो कैसे प्रपोज करे या ब्रेकअप के बाद कैसे उस सिचुएशन से निकले। तो इसके अगर इसी तरह का काम अगर आपको पसंद है करना, किसी को एडवाइस देते हो तो ये काम आप कर सकते हो, ये इसका मतलब इसका चैनल बना सकते हो, इसमें बहुत आगे जाके आप बहुत ग्रो करने का पॉसिबिलिटी है। कैटेगरी है जहाँ पे आप चैनल बना सकते हो, जैसे क्रिकेट कोचिंग का अगर आप चैनल बनाते हो तो उसमें भी बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। मतलब इसी तरह का चैनल नहीं बन रहा है और तो उसके आपका मतलब जो कोई अगर मैच होता है तो उसका ओपिनियन भी दे सकते हो, इसी तरह का पूरा आप एक सीरीज़ बना सकते हो। ऐसे जो चैनल है, जब IPL आता है या क्रिकेट का सीजन होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा चांस होता है वायरल हो जाने के लिए, तो इसी तरह से आप ट्राई कीजिए। और इसी सब्जेक्ट पे अच्छी तरह से स्टडी कीजिए, स्टडी करने के बाद थोड़ा काम करना शुरू कर दीजिए, तो इन फ्यूचर अगर आप पर्सनल कोचिंग भी दे सकते हो। ये चैनल वही बना सकते हैं जो क्रिकेट में एक्चुअली बहुत दिन से है, बहुत दिन से क्रिकेट खेल रहा है या फिर क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है, और ऐसे चैनल पे आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा व्यू है, और बहुत फेक वीडियो बनाते हैं यार, फेक वीडियो बनाते फिर भी उसमें मिलियंस ऑफ मिलियंस व्यू होता है। तो आप जेन्युइन वीडियो बनाओ, बना के आप पब्लिश करो, डेफिनेटली आप धीरे धीरे करते जाओगे तो आप ग्रो कर जाओगे। ओके दोस्तों, बस यही सारे टॉपिक था, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अगर ये चैनल आप सब्सक्राइब करते हो तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक पे। ओके, टाटा।